हाय गाइस, माय नेम इज सतीश रघुवंशी। जैसा कि आपको पता है, हमारी जो जिपमैट की सीरीज चल रही है, आप सभी लोगों को बहुत पसंद आ रही होगी। हमने वहां पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला पार्ट डिस्कस कर लिया है, और वहां पर ये भी बताया मैंने किन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए था, किन क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था, किन क्वेश्चन को आप ऑप्शन से अटेम्प्ट कर सकते थे और किन क्वेश्चन को डायरेक्टली दिमाग से अटेम्प्ट कर सकते थे बिना लिखे। समझ गए ना? तो इस बात का ध्यान रखो, आज हम करने वाले हैं जिपमेट के 23 के क्वेश्चन, और इन्हें बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक की शॉर्ट ट्रिक समझ लो ना, ऐसे ये पद देखने वाले हैं, आपको तो पता है। तो सर, यहाँ पर 23 के जिपमेट की बात करेंगे। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट, इसलिए यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग में ही आता है, और वो भी मैंने लिख रखा है, तो कंफ्यूज होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन ये रहा। अब इस क्वेश्चन को आप देखो, निहारो, समझो क्या क्या है क्या नहीं है। तो थोड़ा सा आपको लगे एकदम से, सर ये सब कुछ क्वेश्चन किसी ने पढ़ लिया होगा ना, वो तो क्वेश्चन पढ़ के ही पागल हो गया होगा कि सर क्या करना। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव ऑब्टेन मोर देन 65% ओवरऑल मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट, हु आर दोज स्टूडेंट। सर सभी के स्टूडेंट के निकालना, क्या सभी के निकालना पड़ेगा? आइए तो देखते हैं इसे किस तरीके से हम करेंगे। अगर एक बच्चा जिसे नहीं पता था ये, तो वो किस तरीके से करता, लेकिन आप थोड़े से स्मार्ट हो, एडवांस हो, तो किस तरीके से करना चाहिए। मैं भी एक एडवांस बच्चा हूं, तो मैं भी बता देता हूँ, ठीक है? समझो, तो सबसे पहले इन डायरेक्शन, कभी भी गाइस डेटा इंटरप्रिटेशन आपकी जिंदगी में आता है ना, तो तूफान लेके आता है, कैलकुलेशंस के तूफान आ जाते हैं आपकी जिंदगी में, राइट? जल जला आ जाता है। तो आपको कैलकुलेशंस पर अच्छी होना चाहिए, कमांड अच्छी होना चाहिए, पहली बात। और सबसे पहले आपको डायरेक्शन को बहुत 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 ही अच्छे से रीड करना है। मेरा कहने का मतलब यह है कि द टेबल गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड बाय स्टूडेंट एंड। भाई यहां पर दे रखा है परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड, मतलब जो नीचे जो टेबल में जो सारा बायोडेटा दे रखा है ना, तो जैसे आपके मार्क्स कभी खराब आ जाए तो आप घर वालों को क्या बताते हो, ऐसे टेबल बना के पेश कर दिया करो, समझ भी नहीं है क्या बोलना चाह रहा है बच्चा। हाँ, तो यही कंडीशन यहां पर रही। तो बोल रहा है कि द टेबल गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय सिक्स स्टूडेंट इन सिक्स सब्जेक्ट। छह स्टूडेंट थे, छह सब्जेक्ट थे, और जो ऑब्टेन जो डेटा लिखा है ना भाई, जैसे कोई एग्जाम होता है उसमें मैक्सिमम मार्क्स आते हैं, कितने मार्क्स हमने लाए, तो हमने परसेंटेज कैलकुलेट करके इस टेबल में डाल दिया कि इस सब्जेक्ट में इस बच्चे के इतने परसेंट मार्क्स आए हैं, दैट इज ऑब्टेन मार्क्स। सीधी सी बात है, ठीक है सर? और बस बाकी बोल रहा है द नंबर ऑफ ब्रैकेट आर मैक्सिमम मार्क्स इन द ईच सब्जेक्ट। तो हम बात कर लेते हैं हर सब्जेक्ट की, हर सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स किस में लिखे हुए हैं सर? ब्रैकेट्स में जो मार्क्स लिखे हैं वो मैक्सिमम मार्क्स लिखे हैं। तो सर अगर हम फिजिक्स में बात करते हैं, तो फिजिक्स में ए के कितने हैं सर? टोटल फिजिक्स में 120 मार्क्स है, ए के 70% है, बी के इतने परसेंट है, सी के ये सभी परसेंटेज ऑफ मार्क्स है। अगर मुझे सपोज मैं एक निकाल के बता देता हूं कि अगर ए का 70% है, तो 120 का 70% आपको निकालना है कि इस ए बंदे ने कितने लाया सर? 84 मार्क्स लाया इन फिजिक्स। कितने मार्क्स में से? 120 में से। ऐसे हर एक के कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को यहाँ पर, नहीं तो कुछ लोग हर एक के कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ रही? हाँ सर, ये हमें क्लियर है। अब देखो यहाँ करना क्या है, करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले तो शांति से। अब समझ में आ गया, जैसे ए के इतने सब्जेक्ट हैं, सभी में 120 है, राइट? उतने लाए। पहला बोला हाउ मेनी स्टूडेंट हैव ऑब्टेन मोर देन 65% ओवरऑल मार्क्स, मतलब ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने मोर देन 65% ओवरऑल मार्क्स लाए। ओवरऑल परसेंटेज कितना आया? मोर देन 65 आया। कितने स्टूडेंट है, मतलब ओवरऑल का मतलब क्या है कि अगर ए स्टूडेंट है उसके मार्क्स का हम परसेंटेज निकालें तो क्या वो 65 से ज्यादा है? अगर ज्यादा है तो वो हमारे आंसर में आ जाएगा। बोल रहे ना हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मोर देन 65% ओवरऑल मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट एंड हु आर दोज स्टूडेंट, ऐसे कितने स्टूडेंट है? तो ए के हमें देखना पड़ेगा, ऐसे किसके देखना पड़ेगा? बी के, सी के। क्या सर हम सभी के देखेंगे? ना बच्चा, एक नॉर्मल बच्चा सभी के कैलकुलेट करने बैठ जाएगा, लेकिन आप स्मार्ट तरीके से चलोगे। सर ऑप्शन तो देख लो, ऑप्शन में ए बी सी और डी इन्हीं की बात की गई है, तो हम बस चारों पर्सन के देखेंगे क्योंकि कोई भी नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं है, ये तो एग्जिट क्वेश्चन है एग्जाम का। तो हम किसका देखेंगे? ए का देखेंगे, बी का, सी का और डी का। तो सबसे अच्छी बात है कि अगर बच्चा इनको कैलकुलेट नहीं करना अलग से प्लीज, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स सेम है तो क्वेश्चन बहुत आसान बन गया हमारे लिए। तो चलिए देखते हैं भाई कितने स्टूडेंट हैं ऐसे जिनके ओवरऑल 65% मार्क्स से ज्यादा हैं। 65 के इक्वल भी आए होंगे ना, तो उसको भी आप कंसीडर नहीं करोगे। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, ये बात तो हमें यहाँ पर
दिमाग में आ चुकी है और दिमाग में हमारे में ये बात घुस चुकी है। ओके करें स्टार्ट फिर पहला क्वेश्चन। ठीक है सर, तो गाइस पहले ए के आप मार्क्स देखो, आप क्या करते, आप यही करते ना कि भाई 120 का 70% निकालते, 120 का 75, 120 का 70, 120 का 65, 120 का 60 और 120 का 75% निकाल, 70% निकालते, तो सभी के आप परसेंटेज निकालते। बोलो हाँ हाँ सर, सभी के तो हम परसेंटेज निकालते। तो भाई 120 का ही निकाला है, 120 सभी से क्या कर दो, कॉमन ले दो। सर सर 120 अगर मैं सभी से मैं कॉमन ले देता हूं यहां पर, तो फिर 70, 75, 70, 65, 60, 60 ये निकालना पड़ता, सही बात है ना सर, ये निकालना पड़ता, यही होता ना। फिर ये जो मार्क्स आते हैं ना, तो 120 अपॉन में क्या करता है सर, टोटल मार्क्स कर देता, राइट। समझ में आ रही बात, आप कैसे निकालते, इसके मार्क्स प्लस इसके मार्क्स प्लस इसके मार्क्स प्लस इसके मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स कितने हो रहे हैं 12, और कितने सब्जेक्ट हैं 6 सब्जेक्ट है, सभी का सम इनटू 100%। ऐसे क्यों कैलकुलेट करना चाह रहे हो, सीधी बात है कि भाई ओवरऑल 65% से ज्यादा नहीं आना चाहिए, सही बात है। तो अगर हम ए के अगर 65 में मैं कितने सब्जेक्ट हैं गाइस, ए के 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब्जेक्ट, तो गाइस अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे ओवरऑल टोटल सब्जेक्ट का परसेंटेज ही पता चल जाएगा, ए का सभी सब्जेक्ट का परसेंटेज में टोटल परसेंटेज कितने मार्क्स है, टोटल परसेंटेज कितने मार्क्स है, तो वो निकल जाएगा 6 × 5 = 30, कितना बचेगा 3 बचेगा, 6 × 6 = 36, 3 = 390 सर। तो 390% निकाल लो ना डायरेक्ट, डायरेक्ट ऐड कर लो, डायरेक्ट आप ऐड कर लो परसेंटेज को, क्योंकि 120 का ही निकलना है, वो तो 120 का ही निकलना है, ए का बी का सी का डी का, तो सभी के आप 120 का ये निकालोगे, 120 के मैं समझा रहा हूँ इसलिए इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, अगले क्वेश्चन से बहुत फास्ट करेंगे हम, राइट। तो 120 का ये निकालोगे, 120 का फिर सभी को ऐड करके न्यूमरेटर में लिखोगे, डिनोमिनेटर में फिर सभी का सम लिखोगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करो, क्यों करना है, सीधा ऐसे निकाल लो। तो गाइस ये डायरेक्ट तरीका है, तो 70 + 75 + 17 सभी को ऐड कर देंगे, ऐड करना बहुत आसान है, 5 5 10 0, मैं नॉर्मल मेथड से ऐड कर देता हूँ, कुछ अलग अलग तरीके से ऐड करते हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हो उन मेथड्स को भी, बट मैं ऐसे कर रहा हूँ। अब देखो 7 7 2 = 14, 7 3 = 21, 7 4 = 28, 28 और 12 कितना हो गया 6 + 6 = 12, कितना, बहुत जल्दी ऐड हो रहा है इसलिए मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, राइट। तो 40 और 1 यहाँ का कैरी फॉरवर्ड होगा 410%। सर बिल्कुल, सर बिल्कुल, ये कितना है सर, 390 से बड़ा है, तो ये हमारे आंसर में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है सर, बी का और चेक करते हैं, ए बी सी डी का ही चेक करना है बस, आपको ज्यादा का नहीं करना। तो सर 5 5 5 5 1 5 5 10 0 कितना बन रहा है, 1 1 बन रहा है ना, तो कितना हो रहा है सर, 7 7 कितने हैं, 7 7 2 = 14, 7 3 = 21, 21 और 1 वो 22 और 8 30, 30 के बाद 6 और 5 11, 41 सर, ये भी 410 बन गया, राइट सर, ये दोनों के इक्वल, तो ये दोनों हमारे आंसर में आ जाएंगे। क्या सी का देखना चाह रहे हैं सर, बिल्कुल सर सी का देख लो, यूनिट डिजिट ऐड कर लेते हैं पहले, कितना होगा 5 + 2 = 7, 7 + 1 = 8 और 8 × 5 = 13, 3 बचेगा गाइस 1 इधर चला जाएगा, राइट। और देख लेते हैं इसमें 7 कितने, 7 7 2 = 14, 21, 28 और एक यहाँ चला गया 35, 35 और कितने हो गए गाइस 6 41, तो सर 413 आ गया, ये बात समझ में आ रही सर, ये भी बड़ा है, बड़ा है, ठीक है। तो तीनों आंसर में तो आ रहा है, ए बी सी आ रहा है, वैसे आप अगर देख पा रहे हैं ना यहाँ से आंसर टिक कर दोगे सर, ए भी बड़ा है, बी भी बड़ा है, सी भी बड़ा है, तो ए बी सी ऑप्शन नंबर ए हो गया, डी चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि सेकंड ऑप्शन हो नहीं सकता, बी एंड सी दे रखे हैं, फिर भी एक चेक कर देता हूँ आपके लिए सर, डी ऑप्शन देख लेते हैं सर, डी में कितना है सर, 0 0 6 सॉरी 5 + 5 = 10 0 कितना बचा, 1 बच रहा है, राइट हाँ 1 बच रहा है, तो यहाँ पर कितना हो गया 6 और 1 वो हो गया 7 7 2 = 14, 14 और 6 = 20, 25 25 6 = 31, 31 से 38 सर 380%। सर ये तो क्या है, लेस है सर, ये तो लेस देन है, राइट, इक्वल टू भी नहीं लेना है हमें, 390 के इक्वल भी नहीं लेना है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आसान था सीधा कैलकुलेट करना, हमने टोटल परसेंटेज देख लिया, वैसे अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमने टोटल देख लिया ए का सभी सब्जेक्ट में कितना टोटल परसेंट है, क्योंकि 120 का ही तो कैलकुलेट करना है, 120 उसमें भी ए के में भी कॉमन रहेगा, बी के में भी रहेगा और सी के में भी रहेगा, और इसमें भी 120 कहीं ना कहीं कॉमन होगा, सही बात है ना। हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सर, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ ए बी सी, ओवरऑल परसेंटेज देखना ए बी सी, तो गाइस अगर ए के ओवरऑल परसेंटेज देखें तो ओवरऑल परसेंटेज तो हमने देख लिए, देख लिए, अब क्या करना, ओवरऑल परसेंटेज ऑफ ए बी सी कहने का मतलब क्या कह रहा है वो, सर अगर ओवरऑल परसेंटेज ऑफ ए बी सी निकालना है तो आप क्या करते, ओवरऑल परसेंटेज ऑफ ए का निकालते, इसका प्लस इसका प्लस इसका, ये सभी परसेंटेज का सम, और ये होता है किसमें सर, न्यूमरेटर में 120 का दशमलव परसेंट, 120 का दशमलव परसेंट डिवाइडेड बाय कितना होता, ये करते ना,
सर 120 का जो भी परसेंटेज आ रहा है, जो भी परसेंटेज आ रहा है, इतना डिवाइड में कितना करना 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 पड़ता भाई, ये 120 की ये परसेंटेज, ये वाली वैल्यूज राइट, डिवाइड में कितना करना पड़ता टोटल, 6 6 6 into 120 कर देती, ये टोटल हो गया राइट। बात समझ में आ रही है? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रही है, क्लियर है। तो गाइज ये सभी का टोटल कितना बना है, एक अगर आप देख पा रहे हो तो एक का टोटल 410। तो डेटा जब आप टोटल किया करो ना, तो लिख के रखा करो वहां जहां जिस कॉपी में आपने जिस पेज में सॉल्व करके, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन में जो पहले वाला डेटा है वो आगे के क्वेश्चंस में भी यूज होते हैं, तो जब एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन थोड़ा अच्छे तरीके से करना है। तो ये कितना है सर 410 है, सर 410 है, 120 120 क्या 60, क्योंकि 410 परसेंट ही ले लो ना, और मुझे क्या निकालना है ओवरऑल परसेंटेज, तो इसलिए मैं 410 परसेंट ले रहा हूँ, 120 120 क्या 410 को 6 से डिवाइड कर दिया। तो कहने का मतलब है इनका जो ओवरऑल परसेंटेज था ए के मार्क्स का, उसको 6 से डिवाइड कर देते, क्योंकि 6 सब्जेक्ट में बोल रहा है, तो व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज, तो सीधी बात ही कैंसिल, 6 से डिवाइड करेंगे तो ए का आ जाएगा राइट। ऐसे बी का ऐसे सी का निकाल देंगे, तो अब पूरे में हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, 6 6 30 6 हो गया, कितना बच रहा है 5 राइट, 5 बच रहा है मतलब 50 हो गया, 6 8 जा 48, 2 बचा, 6 3 जा 60 जा 68.33। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है सर? कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, और क्वेश्चन में ये भी नहीं बोला गया अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो ये क्वेश्चन उन्होंने अपनी साइड वहां से हटा दिया था मैं से, क्योंकि इसमें किसी आंसर भी मैच नहीं कर रहा था, बट मैं आपको करवा देता हूँ राइट। ऐसे हम बी का निकाल के देख लेते हैं, ए का हो गया भाई ये, तो सर बी का निकाल लेते हैं, पेन बदल लें। हाँ सर बी का भी निकालो आप। सर बी का कितना था? सर बी का भी सेम परसेंटेज था, सेम मार्क्स थे ना हमने देखे, देखो उसका भी हमें अब पूरा करने की जरूरत ही नहीं है भाई। क्या कहा गया भाई बी का? अगर हम बी का कैलकुलेट करते हैं तो 410 डिवाइडेड बाय 6%, ये बी का परसेंट वही आ जाएगा। तो सर कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, उसने हटा ही दिया था ये वाला, समझ में आ गया क्वेश्चन करने का तरीका क्या था राइट। हाँ तो सी का आप निकाल ही लेना, सी का भी हमने ऐड कर दिया, 6 से डिवाइड करना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, इन विच सब्जेक्ट द ओवरऑल परसेंटेज मैक्सिमम एंड व्हाट इज द परसेंटेज। गाइस यहाँ पर क्वेश्चन पूछा किस सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट और मैक्सिमम परसेंटेज कौन सा है। तो यार आप देखो अगर बायोलॉजी में भी देखो, अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं, बायोलॉजी फिजिक्स इन चार सब्जेक्ट में चेक करना है, सारे सब्जेक्ट में आपको चेक करने की जरूरत नहीं, अगेन वही स्मार्ट तरीका राइट। हमें सिर्फ चार सब्जेक्ट में चेक करना है, ए बी सी डी कौन कौन से दे रखे हैं, बायोलॉजी फिजिक्स। तो फिजिक्स में देख लेते हैं भाई इनका सम, इनका सम क्योंकि 120 का 70%, 120 के 80%, 120 का ये सभी निकलेगा, तो 120 बाहर ले लो, इन सभी परसेंटेज का सम कर दो। सही बात है, तो बोल रहा है परसेंटेज पूछ रहा है, तो कहीं ये परसेंटेज ही निकाल दो ना, इनके सभी परसेंटेज की सम निकाल दो अगर परसेंटेज पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखो 5 + 5 = 10 कितना बचेगा, 1 बचेगा। सर 7 7 2 = 14, 7 3 = 21, 7 4 = 28, क्योंकि 1 यहाँ का ले लिया 28, और 6 कितना हो गया गाइस 34। तो सर ये 340% आ गया, ये 340% आ गया। अब क्या करना है सर, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, सीधी बात है, सीधी बात है, परसेंटेज को 6 से डिवाइड कर दो, नहीं तो 120 का इतना निकालना है फिर ये निकलेगा, फिर आप पूरा कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है। क्लियर हो रही होगी बात, मैंने क्या किया इन सभी का परसेंटेज ओवरऑल निकाल लिया, सभी सब्जेक्ट का मतलब सॉरी फिजिक्स सब्जेक्ट का सभी स्टूडेंट का, तो इतना आया। अब इसको कितना करना है, सर बोल रहा है कि ओवरऑल परसेंटेज निकालना है, इस ओवरऑल परसेंटेज कितना डिवाइड बाय वही कितना करते 120 करते, और कितना करते भाई कितने लोगों का करते आप, सर 6 लोगों का, 6% है डिवाइडेड बाय 120 × 6 टोटल करना पड़ता, तो 120 से 120 कैंसिल हो जाता न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले, तो 6 बचता, क्योंकि हमें परसेंटेज में चाहिए, दैट्स व्हाई हम परसेंटेज हटाएंगे नहीं, तो सर इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, समझ में आ गया। ओके सर 6 5 जा निकालने की भी जरूरत नहीं, क्यों नहीं निकालना, 340 रहने दो, 340 रहने दो, क्यों नहीं निकालना अभी बता रहा हूँ 340, क्योंकि ये भी डिवाइड 6 से होगा, ये भी डिवाइड, सारे डिवाइड 6 से होंगे, तो जो नंबर बड़ा होगा वही मैक्सिमम होगा, डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं, समझ गया ना बात। डिवाइड में भी बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना था आप लोगों को, क्योंकि हर एक नंबर जो आएगा वो 6 से डिवाइड होगा, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा, सीधी बात है, क्योंकि हर एक नंबर 6 से डिवाइड होना है। सर बायोलॉजी का कैलकुलेट करो जल्दी से, फालतू नाटक मत करो, ठीक है भाई 5 + 5 = 10, और 2 कितना हो गया 12 राइट, 1 बच रहा है, 7 कितना 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट 42 राइट, कितना है 42 और 1 43, 432% हो गया। और किसका, मैथ्स का भी निकालना है, ठीक है भाई मैथ्स का, अभी तो इसी का ज्यादा दिख रहा है 3 432, मैथ्स का निकालो, 5 + 5 = 10 = 11, कितना बच रहा है भाई 1 बच रहा है, तो 7 यहाँ तक 428, 28 और यही हो रहा है ना, देखो 5 + 5 = 10, ओ सॉरी कुछ गड़बड़ कर देता नहीं है यहाँ पर, 5 5 5 15 कितना बच रहा है 1 बच रहा है, और 1 यहाँ दे दिया तो 7 हो गया, 7 4 = 28, और 28 और 12 कितना हो गया 40,
इसका 405% बन रहा है, बात समझो। और किसका निकालना है सर, इंग्लिश का और चेक कर ले, ये भी अभी छोटा है, बड़ा बायोलॉजी है। सर इंग्लिश का और कैलकुलेट कर ले, 5 + 5 10 कितना बचा, 1 बचा, और ये 1 इसको दे दो 7, 7 4 = 28, और 28 और 12 का इस कितना हो गए आपके, 40 हो गए, राइट? तो 400 सर अभी क्या बन रहा है, सर बायोलॉजी ही बन रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आई बात? आई गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन में क्या है वो देखो कि फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन इकोनॉमिक्स एंड फिजिक्स रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर परसेंटेज नहीं निकालना, अभी तक अगर आप देख रहे हो तो सर परसेंटेज था, सर परसेंटेज था, सर पर हाउ मेनी स्टूडेंट, 65% था, बट इस क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं बोल रहा, बोल रहा है फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इकोनॉमिक्स एंड फिजिक्स। इकोनॉमिक्स एंड फिजिक्स में तो सबसे पहले हम एक नंबर पर इकोनॉमिक्स होगा, जो ऑप्शन मैच करेगा देख लेंगे। तो भाई सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स का देख लेते हैं एवरेज मार्क्स, तो इकोनॉमिक्स में देख लेते हैं सर 120 का, अगेन सुनो 120 का 60%, 120 ये सभी का निकालोगे तो 120 बाहर हो जाएगा, और एवरेज निकालना क्या करना पड़ेगा सर, समझ पा रहे हैं ना, 120 बाहर, ये पूरा परसेंटेज, परसेंटेज मतलब डिवाइड में क्या होगा इसके 100, क्योंकि हमें परसेंटेज नहीं निकालना, अभी तक हमें परसेंटेज निकालना पड़ रहा था, दैट्स व्हाई हम डिवाइड बाय 100 नहीं कर रहे, अब हमें परसेंटेज निकालना है, समझ पा रहे हैं? तो गाइस 120 का दिस, 120 का दिस, ये सभी 120, तो 120 मल्टीपल में रहेगा तो 120 कॉमन, और ये पूरा परसेंटेज, तो देखते हैं ये परसेंटेज कितना हो रहा है। ये तो सर 5 बन गया, 5 10 15, राइट 15 और 6 21 27, 27 और कितना हो गया 33, 335 बन रहा है, राइट? तो 335% बन रहा है, लेकिन ये 6 का है तो इसको डायरेक्ट 6 से डिवाइड कर दो, राइट? एवरेज परसेंटेज बन जाता है वो, तो 6 से डिवाइड कर दिया, बात समझ पा रहे कि नहीं? और कितना है सर 120 है, तो अब ये परसेंट आ गया, मतलब मान लो ये कोई परसेंट एवरेज परसेंटेज आ गया, एवरेज परसेंटेज आ गया, अब एवरेज परसेंटेज को आपको किससे 120 से मल्टीप्लाई करना है, और परसेंटेज हटेगा डिनोमिनेटर में 100 आएगा ना, क्यों? क्योंकि मुझे क्या चाहिए सर, एवरेज मार्क्स चाहिए, परसेंटेज नहीं चाहिए। अभी तक हम क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमें परसेंटेज में वैल्यू चाहिए थी वहां पर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो 0 से 0 6 से कितना टाइम चला जाएगा, 2, 2 से 5 टाइम, 5 6 = 35, 7 जा, बात समझ में आया? तो 64 पहले ही ऑप्शन ऑप्शन डी में है, बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ऐसे अभी सभी का निकाल, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, अगेन मैं बता रहा हूँ क्या करना था आपको। आप ये करते सर कि 120 कॉमन ले लिया, 120 का 60, 120 का 50% ऐसा निकालते, 120 कॉमन ले लो आप, राइट? 120 कॉमन ले लो, इन सभी का एडिशन लिखते न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय क्या लिखते सर, परसेंटेज का डिनोमिनेटर में 100 लिखते आप, सही बात है ना? हाँ सर, और डिवाइड में कितना लिखते 6, तो वो वही बात की गई अल्टीमेटली। ओके गाइस, आई होप कि ये वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा 1 to 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 to 7 देखते हैं, पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है, इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। फॉलोइंग पाई चार्ट शोड द शेयर ऑफ द सेल्स ऑफ द 5 कंप्यूटर ब्रांड ए टू ई, 5 कंप्यूटर ब्रांड है ए टू ई इन 2005, ईयर याद रखना है यहाँ पर, 2005 में बात कर रहा है, ए बी सी डी, ये सभी कितना टोटल सर 100% होगा। ओके तो अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 100% इसमें कुछ वैल्यू नहीं है यहाँ पर, अभी क्वेश्चन में दी क्या देख लेते हैं। कंसीडरिंग सेल ऑफ ए इंक्रीज बाय 50%, ए की सेल कितने से इंक्रीज हो गई भाई सर, 50% से इंक्रीज हो गई है इन 2006, राइट? इसकी 50% से इंक्रीज हो गई इन 2006, एंड सेल ऑफ ई इंक्रीज बाय 10% एंड ऑल अदर ब्रांड्स हैड नो चेंज, मतलब वो बोल रहा है ए की सेल कितने से इंक्रीज हो गई सर, ये 50% से इंक्रीज हुई है, समझ ना, और ये 2005 का डेटा है, 2006 के लिए 50% से इंक्रीज हो गई, एंड सेल ऑफ ई इंक्रीज बाय 10%, ई की सेल से 10% से इसकी भी इंक्रीज हो गई है, समझ ना, और बोला बाकी के में कोई चेंज नहीं है, तो टोटल सेल इन 2016 इतनी हो गई है, टोटल सेल ऑफ 2016 इतनी हो गई है, तो व्हाट वाज द सेल ऑफ ए इन 2005 अप्रोक्सीमेटली। अब बात समझना, यहाँ पर टोटल पाई चार्ट की वैल्यू कितना 100% हो गई है, 100% हो गई क्या देख लेते हैं एक बार सर, ये 60 हो गया, 60 और 30 90 10 100, 100%, तो 100% को आप 100x ले लो, मान लो टोटल 100x थी, बोल सकते हैं ना कि सर इनिशियल सेल कितनी थी 100x थी, समझना 100x थी, तो इसकी कितनी थी सर 45x, सर इसकी कितनी थी 45x, इसकी कितनी थी सर 10x, समझ पा रहा है बात? हाँ सर बहुत आसान है, लेकिन सर यहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रहा है इसकी कितने परसेंट से इंक्रीज हो गई सर, 50% से इंक्रीज हो गई, तो इसकी इंक्रीज हुई है ए की 50% से इंक्रीज हो गई, तो इंक्रीज कितना हुआ इसका, 50% कितना होगा सर 22.5x हो जाएगा, और सर यहाँ पर ई की कितनी इंक्रीज हो गई सर 10%, 10% मतलब 2.2% इंक्रीज हो गई, मतलब 2.2x हो गई भाई, इन सब में तो चेंज नहीं है, इन सबको इंक्रीज करने की जरूरत क्या है आपको, बात समझ पा रहे हैं? इन सबको तो सेम ही लेना है ना,
बस ये ही दो तो इंक्रीज हुई है, बाकी तो सब सेम रहेगा सर, 15x, 10 और ये सब वही रहेगा। तो गाइस ये इंक्रीज कितना हुआ है मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, और वो बोल रहा है कि ऑल अदर ब्रांड नो चेंज इन द सेल, टोटल सेल इन 2016 कितनी हो गई, 2006 में ये हो गई टोटल सेल, तो सर 5 के बाकी के सेम रहेंगे राइट इन्हीं दोनों का। तो गाइस ये इंक्रीज हो गए, या तो फिर आप टोटल के बराबर कर लो राइट, टोटल कितना हो गया गाइस, ए का इंक्रीज हुआ 22.5, तो ये कितना हो गया 45 में मैं यही ऐड कर देता हूँ, ये 22 पूरा, ये तो 100 तो है। अच्छा ऐसा करो ये पार्ट इंक्रीज हुआ है, ऐसा भी ले सकते हैं ना अपन सर, टोटल वैल्यू तो 100 वो तो रहेगी क्योंकि ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, और इनका 45 भी रहेगा, इनका 20 रहेगा, बट जो एडिशन इंक्रीज हुआ उसको ऐड कर दो, ज्यादा दिमाग क्यों लगाना सर, सही बात है। तो सर ये कितना होगा सर, 24.7 ओवरऑल इंक्रीज, और ये कितना था सर 100, 100 पहले था, इंक्रीज टोटल 24, वो तो टोटल कितना हो गया सर 100x, पहले कितना था सर 100x था, प्लस 24.7x इंक्रीज हो गया, तो 124.7x हो गया, इज इक्वल टू, वो कह रहा है 2006 में 2,16,000 कुछ बन गई है राइट। तो सर x की वैल्यू निकाल दो यहाँ पर 216 ये, लेकिन हमें कितना सर, ये 124 पॉइंट समथिंग, और क्वेश्चन में बोल रहा है अप्रोक्सीमेटली, तो क्या इसको मैं 125 बोल सकता हूँ, चलो बोल सकते हो, समझे बात की नहीं सर, मैं बोल सकता हूँ कि नहीं। हाँ, और वो बोल रहा है क्या निकालना है, व्हाट वाज द सेल ऑफ द ए इन 2004, एक्स मतलब क्या 45x निकालना है, तो एक्स आ गया, तो 45x के लिए क्या करना पड़ेगा सर, 45 का और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 45x, तो यही तो आपका आंसर था, समझ गए सर, ओके समझ गए सर, 25 से कितना 5 टाइम चला जाएगा, 25 से इसको निपटा दो राइट, 25 से कितना टाइम चला गया सर, सर 25 से ये करेंगे 8 टाइम 200 हो गया, कितना बच रहा है सर, सर 16 बच रहा है, 160, और 166 टाइम हो गया कितना 150, 10 बचा 4 टाइम 0, है ना, यही बनेगा ना, 8 टाइम 16, 166 टाइम 150, 10 बचा 100, 4 टाइम 0, क्लियर है ये, 5 से 9 टाइम देख लो अप्रोक्सीमेट आएगी क्योंकि मैंने 125 इसको अज्यूम कर लिया, 0, 9, 4 जा 36 कितना बचेगा गाइस, 3 बचेगा राइट, 54, 3 कितना होगा भाई, 3 बचा ना, 57 कितना बचा 5, ओके 72 और 5 77, अप्रोक्स 77 ऐसी कुछ आएगी, 77, 9, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि वो अप्रोक्स ही बात हमसे कर रहा है, बात समझ में आ रही है यहाँ पर, तो ये आसान था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 देखिए कि क्या है, इन 2006 वैल्यू वाइज सेल ऑफ ए इंक्रीज बाय 50%, अब ए की कितनी परसेंट इंक्रीज हो रही है भाई, समझ ना 50% इंक्रीज हो रही, वही 100x लेके चलो आसान हो जाएगा, एंड दैट ऑफ द ई इंक्रीज बाय 10%, भाई इसकी कितने परसेंट से इंक्रीज हो रही है, 1 मिनट, वो बोल इंक्रीज इंक्रीज बोल रहा है, हाँ वैल्यू ऑफ इंक्रीज ए एंड और दैट ऑफ ई 10%, ठीक है सर 10% से इंक्रीज हो गई, लो द सेल ऑफ ऑल अदर ब्रांड्स रिमेन सेम, व्हाई व्हाट परसेंट टोटल सेल ग्रू इन 2006 एज कंपेयर टू इनिशियल, तो इनिशियल तो हमने 100 ही% लिया 100x, अब कितनी इंक्रीज हो गई है, वो यही तो बोल रहा है, व्हाई व्हाट परसेंटेज टोटल सेल्स वैल्यू वाइज ग्रू इन 2006 एज कंपेयर टू 2005, 2005 का ये डेटा दे रखा है, इतनी इतनी इंक्रीज हो गई, तो गाइज ये जो वैल्यू 100 है 100x, अब देख लेते हैं कितना इंक्रीज हुआ, वही तो इंक्रीज होगा क्योंकि ये तो सब कॉन्स्टेंट है, पुराने में भी वही होंगे, तो एक्चुअल इंक्रीज जो हुआ वही तो टोटल परसेंटेज इंक्रीज होगा, वही तो पूछ रहा है, तो गाइज अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो कितना निकल रहा है सर, इसका 50% ए का कितना होगा सर 22.5 राइट, एक्स ले लो कोई बात नहीं, 100 का निकालोगे वही निकलेगा, इसका कितना होगा सर 10%, 2.2 निकलेगा, तो सर 24.7, अब ये 100x लेते ये कितना बढ़ गई 24.7x बढ़ गई, तो यही तो इंक्रीज होता, निकालते तो वही निकलता, तो 100 अगर आपने लिया है तो जो ये परसेंटेज आया वही आपका आंसर होगा, तो कितना होगा गाइस 24.7%, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, आसान था इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th की बात करते हैं कि 7th क्या कहना चाहता है यहाँ पर, देखो इन 2006 इफ द सेल वैल्यू ऑफ द बी इंक्रीज बाय 10% एंड दैट ऑफ द ए डिक्रीज बाय 10%, सेल वैल्यू ऑफ बी इंक्रीज कितने से हो रही है, ये 10% से इंक्रीज हो रहा है भाई साहब राइट, कोई दिक्कत नहीं है, एंड दैट ऑफ द ए डिक्रीज बाय 10%, भाई ए को 10% से आप डिक्रीज कर दो राइट, तो बोला व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द सेल इफ द सेल ऑफ द अदर ब्रांड सेम, अदर ब्रांड्स की अब सेम है, अगर ये 10% से इंक्रीज हुआ और ये 10% से डिक्रीज हुआ, सेम परसेंटेज है ना, ये 10% से इंक्रीज होगा 45 में, तो ए कितना डिक्रीज होगा 45 में, 10% से डिक्रीज हुआ सर 4.5, 10% इतने ही निकलेगा सर, ये डिक्रीज हुआ,
और ये 10% से इंक्रीज हुआ मतलब सर बी कितना इंक्रीज हुआ, सर 1.5। तो ओवरऑल चेंज देख लो ना, सीधी बात ओवरऑल चेंज देख लो, क्योंकि ये बाकी तो सेम रहना है, ए और बी के कारण जो वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, तो ये तो 100% है। तो सर ओवरऑल हम नेट इफेक्ट देख लेते हैं, सर कितना है, -3.0, राइट। तो 3% से डिक्रीज हो गई, क्योंकि वो कम हो गया, -3 आया, तो 100% में -3 जाएगा तो 97% बचेगा, तो सीधी बात हो जाएगी डिक्रीज बाय 3%। बात समझ में आई? तो ये वाला सेट भी आसान था। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं गाइस। इसकी 8 देखिए, नंबर ऑफ द व्हीकल्स इन 100, हंड्रेड्स में दे रखा। मैंने बोला था हमेशा डायरेक्शन अच्छे से पढ़ना है, कि इन हंड्रेड्स पासिंग थ्रू द टोल प्लाजा, मतलब जो दे रखी है वो हंड्रेड्स में है। और इन डिफरेंट वीक्स ऑफ द सितंबर, सितंबर के क्या थे गाइस, वो डिफरेंट वीक्स है, अलग अलग वीक की बात यहाँ पर की जा रही है, इस बात का ध्यान रखना। तो व्हीकल है, बस है, ट्रक है, कार, ये सब कुछ गिवन है। अब बोल रहा है इन विच वीक ऑफ द सितंबर द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल पासिंग थ्रू द टोल प्लाजा वॉज द सेकेंड हाइएस्ट। किस वीक में कितने दे रखे हैं व्हीकल्स, दे रखी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वीक, राइट। चारों वीक का टोटल निकालना है, किस वीक में जाता है, नंबर ऑफ व्हीकल्स बोल रहा है, कार बस ट्रक नहीं बोल रहा, राइट। व्हीकल्स में सभी का सम होगा, तो फर्स्ट का सम करते हैं, सेकंड का, थर्ड का और फोर्थ का, कौन से का ज्यादा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। इसको ऐड कर देते हैं, जैसे 3 + 4 7 और 2 9, तो सर 0.9 तो ये आएगा, राइट। बात समझ में आई? इनको ऐसे ऐड कर देते हैं सर, 40 और 40 और 15 कितना, और ये 30, 30 ले लो इसको, समझना दो माइनस कर देंगे, तो 40 और 10 कितना हो गया, या फिर ऐसा कर लो, समझ रहे, ऐसा कर लो कि 40 10 कितना हो गया, 50 यहाँ से 20 ले लो, 70, समझ रहे, मतलब मैंने टेंस प्लेस वाले ले, यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ 10 हो गया, 30 40 70, 70 ये बन गया, उसके बाद 8 5 13, राइट। 70 + 13 मतलब, समझ रहे हैं ना, 8 और 5 13, 83, तो 83.9 हो गया ये पहले का। सेकेंड हाईएस्ट देखना, सेकेंड का और ऐड करो, 5 + 3 8 + 1 9.9 हो गया, राइट। इनका देख लो गाइस, 20 10 30, 30 और 30 कितना हो गया, 60, और 6 और 5 11 6 और 2 8 और 4 12, राइट। बात समझ रहे, तो ये कितना हो गया, 20 30, ये 60, तो ये हो गया, अलग लिख लिया करो, 20 10 और ये, राइट, 60 हो गया। फिर कितना बच रहा है, 6 + 2 8 + 4 12, तो 12 और इसमें अपन ऐड कर देंगे, तो 72.9 हो गया। ओके, थर्ड वाले में देख लेते हैं कितना आ रहा है सर, 20 और 40 और ये सबको ऐड कर लेते हैं, कितना हो रहा है सर, 20 और 40 60, 62, 62 और 14 मैं डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ, 72 और 4 कितना हो गया, 76, 76 तो ये हो गया, बट इसका कितना आएगा, 9 + 1 10, तो ये कितना बन गया, 77, राइट। और 1 और 4 5, 77.5 बन गया। तो ऐसे एडिशन हमें कर लेना था, 70 लास्ट वाला, और फटाफट अपन ऐड कर लेते हैं, इनर डिजिट से ऐड कर लो, सभी तरीके मैंने यूज कर दिए, नहीं तो कोई इनर डिजिट से नहीं करना चाह रहा तो और अलग तरीके, 8 7 15, राइट, 15 4 19, राइट, कितना बचा, 1 10, 10 5 15, 15 4 कितना, 19, कितना बच रहा है गाइस, 1 बच रहा है, 4 5 और 2 7, तो 79 पर सबसे हाईएस्ट तो सर ये है, राइट, सबसे हाईएस्ट ये है, और सेकेंड हाईएस्ट हमें लग रहा है ये वाला है, राइट, फोर्थ वाला, फोर्थ वाला मतलब ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, कितना आसान था, देखो एडिशन ही तो करना था, टाइम भी नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 9, नंबर ऑफ व्हीकल्स इन 100 पासिंग थ्रू अ टोल प्लाजा, वही क्वेश्चन है, सब कुछ वही है। व्हाट वाज द एवरेज नंबर ऑफ बसेस पासिंग थ्रू द टोल प्लाजा पर वीक, क्या बोला, व्हाट वाज द एवरेज नंबर ऑफ बसेस पर वीक में कितनी पास हुई, एवरेज नंबर ऑफ बसेस पासिंग थ्रू द टोल प्लाजा पर वीक में, बात समझ में आ रही? तो सर ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, तो क्या बात कर रहा है यहाँ पर, टोल प्लाजा पर वीक, क्या बसेस की बात कर रहा है, तो बस वाले को ऐड कर दो इसको, राइट। लेकिन हंड्रेड्स में उस बात का ध्यान रखना, एवरेज नंबर ऑफ, क्लियर है, तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 + 4 8 5 13, 13 और 3 कितना होगा, 16, कितना बचेगा, 1 12 16 17, 1 बचा, 8 1 9, और इनटू 100, क्योंकि हंड्रेड्स में दे रखी है, और कितने में सर, एवरेज नंबर ऑफ कितना बोल रहा है, बस 1 2 3 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9 7 6 0 डिवाइडेड बाय 4, बहुत आसान था, 4 2 8 17 हो गया, 4 4 16, राइट, 1 आ गया, 4 4 16 0, 2 4 0, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राइट। तो ये हमारे डेटा इंटरप्रिटेशन के पार्ट्स थे, राइट, बहुत आसान था, कोई डिफिकल्ट नहीं था, अगर आपको इस तरीके से आता तो फटाफट आप सॉल्व कर देते।
आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, जो इसी में आया था आपके लॉजिकल रीजनिंग में, तो मैंने यहीं पर रख दिया इस क्वेश्चन को, मैथमेटिक्स में नहीं रखा, तो यहां पर ही मैंने पुट कर दिया। बहुत लंबा सा दिख रहा है, बट इतना बड़ा नहीं होगा, आप समझ पा रहे हैं, बहुत लंबा सा दिख रहा है कि सर इस क्वेश्चन को देख के स्किप कर देते, बट सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन था, मैं हमने छोड़ दिया। कुछ लोगों जो उन्हें पछतावा हो रहा होगा, जिनने छोड़ा होगा, जिनने दिया होगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं कि टू कार्स एन बी स्टार्ट रनिंग फ्रॉम अपोजिट एंड्स एक्स एंड वाई एट अ नेशनल हाईवे विद अ लेंथ ऑफ 120। मतलब दो कार यहां से स्टार्ट हो रही है, दो कार एन बी रनिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। एंड्स क्या है, एक एंड एक्स है और एक एंड वाई है, ध्यान रखना, एक एक्स एंड से स्टार्ट हो रही है और एक वाई एंड से स्टार्ट हो रही है, नेशनल हाईवे जिसकी लेंथ कितनी सर 120 किलोमीटर है। ठीक है सर, बनाते जाओ जैसा बोला है, कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। टू कार्स ए एंड बी स्टार्ट रनिंग, ए और बी स्टार्ट हो रही है, एक्स एंड वाई नेशनल हाईवे विद द लेंथ ऑफ दिस। मान लो ए यहां से स्टार्ट हो रही है और बी यहां से स्टार्ट हो रही है, मेंशन करना बहुत जरूरी है, अपोजिट बोल रहा है ना, अपोजिट। ओके, कारे स्टार्ट फ्रॉम एक्स बोल दिया है एंड रन्स 30 किलोमीटर। अब कारे एक्स से स्टार्ट हो रही है और कितनी जाती है सर, एक्स से स्टार्ट होगा सर 30 किलोमीटर जाती है। ठीक है भाई, ये 30 किलोमीटर चला दिया ए को, राइट, ए यहां तक 30 किलोमीटर जाती स्ट्रेट। इट देन टर्न्स राइट, अच्छा ऐसे जा रही थी, टर्न राइट लेगी, राइट। इट देन टर्न राइट एंड कार टर्न्स टुवर्ड, एक मिनट कहां बोल दिया, इट देन टर्न्स टेक्स अस राइट एंड रन 15 किलोमीटर। यहाँ राइट लेगी और कितने किलोमीटर चलेगी सर, 15 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर चला दिया। देन टर्न्स लेफ्ट, ऐसे जा रही थी, लेफ्ट लेगी ऐसे हो जाएगी एंड रन 30 किलोमीटर। अब ऐसे के बाद भी कितनी चल रही सर, 30 किलोमीटर ये चल रही है। ओके बात समझना, और बोला देन आफ्टर दैट द कार टर्न्स टुवर्ड द हाईवे। अब हाईवे ये था तो हाईवे की तरफ, सर ये तो एक रेक्टेंगल बन गया, 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा, बहुत आसान है। एंड रीचेस बैक ऑन द हाईवे, ठीक है सर। इन द मेन टाइम द कार बी हैज ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम द अदर एंड वाई ऑफ द हाईवे, बट ड्यू टू अ माइनर ब्रेक डाउन कुड नॉट रन, कुड रन ओनली 35 किलोमीटर। कार भी यहां से स्टार्ट हो रही है, सिर्फ कितनी चल पाती है सर, 35 किलोमीटर। कार एक्स, कार ए यहाँ पर है, कार बी यहाँ पर है, 35 किलोमीटर चल पाती है, राइट, अलोंग द हाईवे टिल द टाइम द कार ए रीचेज द ब्रेक ऑन द हाईवे। हाईवे पे आई तब तक ये कितना चल गई, 35 किलोमीटर। वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स, राइट, वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार एट दिस पॉइंट। भाई इन दोनों के बीच का अब आपको डिस्टेंस बताना, बताओ कितना आसान था, आप लोग छोड़ देते हो सर, ये 30, 30, 60, 30, 90, 95, और ये कितना बच रहा है सर, 25 किलोमीटर। सर 25 किलोमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कितना आसान था ना क्वेश्चन, देखने में बहुत भारी लग रहा था। तो गाइज ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ऐसा ना कि वो भी बेचारे पढ़ पाए, उनका भी फायदा हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं गाइस, हम बस एक लाइक सब्सक्राइब ही तो मांगते हैं, कुछ इतना ज्यादा आपसे नहीं मांगते। एक आध अच्छा सा कमेंट कर दिया करो कि अगर दिल भर आए, देख के आंसू आ जाए आंखों से, कि चलो सतीश सर के लिए कमेंट कर देते हैं। ठीक है गाइस, तो अपन मिलेंगे और भी अपने जो सेशंस होंगे तो देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, और यहाँ से आप फॉलो अस ऑन यहाँ पर देख सकते हो आप, थैंक यू सो मच। Thank you.